आज हम अपना वीडियो क्लास 10th के आर्य अग्रवाल से चैप्टर 15A का 18th क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम 18th क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें है ईच ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल मेजर 2 cm मोर देन इट्स हाइट एंड द बेस ऑफ द ट्रायंगल मेजर 12 cm। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसका कि आइसोस्केलस का मतलब ही होता है कि दोनों साइड उसका बराबर होगा। तो इस वो कह रहा है कि दोनों साइड तो बराबर है लेकिन उसके हाइट जो उस ट्रायंगल का हाइट है उससे वो दोनों साइड 2 cm ज्यादा है, मोर देन 2 cm है और उसका बेस दिया हुआ है 12 cm। तो ये हुआ आपका, ये हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए बी और सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब है कि दो साइड बराबर हो गया। तो इसका बेस को दिया हुआ है कितना 12 cm और इसकी हाइट मान लीजिए कि ये हाइट है तो ये हाइट मान लीजिए कि x है तो ये दोनों साइड 2 cm इससे ज्यादा है यानी कि x+2 है। तो अब हम लोग को मिला क्या है इस क्वेश्चन में, तो जरा देख लेते हैं। तो मिला है हम लोग को गिवन है, हम लोग को मिला है यहाँ पर सिर्फ बेस क्योंकि 12 cm है। अब इसकी हाइट को हमने x मान लिया तो ये कह रहा है कि दोनों साइड क्योंकि आइसोस्केलस है तो इसका दोनों साइड बराबर होता है। तो अगर एक साइड प्लस टू है तो दूसरा साइड भी प्लस टू ही होगा। तो ये x है तो मान लीजिए लिख लेते हैं हम यहाँ पे हाइट बराबर x cm। तो आपका ये साइड, तो साइड को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं तो साइड हो जाएगा x+2 cm। तो अब इसमें एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग इस साइड की साइड होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल बराबर होता है 1/4b और यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 4b का a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास a है ही नहीं, ये साइड हम लोग को पता नहीं है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लागू होगा। इसके हाइट का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो लिखते हैं हाइट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल बराबर 4a² - b² / 2। तो हमारा हाइट दिया हुआ है, यहाँ पर हाइट तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग उसको मान लिए हैं x। तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे अंडर रूट, ये हो गया 4a मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर और b हमारा बेस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। तो अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा क्योंकि ये नीचे डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे हम लोग 2x बराबर अंडर रूट, ये इधर जाएगा तो ये 2x² हो गया। अब 4 की जगह पर a² की जगह पर हमारे पास क्या है, a की जगह पर है x+2² माइनस ये हो जाएगा 144। तो अब ये देखिए कि ये है मान ये फॉर्मूला आ रहा है a² + b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो हम इसको इस पर ऐसे लिखेंगे इनटू में a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² b के जगह पर यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 a * b और ये यहाँ पर तो है ही -144। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना अंडर रूट 4x² +
ये टूटेगा तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 टू जा 4x माइनस 144, ये इतना हो जाएगा। अब इससे ये सारा, इससे ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आएगा, ये 4x स्क्वायर प्लस, इसमें 4 से गुणा होगा तो 16 प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16x और माइनस में 144, ये हो गया। और यहाँ पर है 2x स्क्वायर, यहाँ पर है 2x स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब इस तरह का कोई इस तरह का सिचुएशन आता है तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, इससे हमारा अंडर रूट हट जाएगा। तो अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं पहले करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x माइनस 144। तो अब इसका ये तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16x और माइनस 144। तो अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस और माइनस 4x स्क्वायर कट जाएगा, तो हम लोग इस जगह भी काट सकते हैं आराम से। तो अब हमारे और यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसको हम लोग इसी जगह घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16x माइनस 128, इसको जब घटाएंगे इसमें से तो 128 आएगा। तो अब x का वैल्यू हम लोग को निकालना है तो 16x को हम लोग इसी जगह छोड़ देते हैं और 128 को बराबर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो 128 हो गया। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 128 डिवाइड बाय, चूंकि ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको अगर काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 8cm। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा साइड में साइड बराबर क्या है, a बराबर x प्लस 2, यानी कि x के जगह पर हम लोग 8 लिख दिए, यहाँ पर 2 बराबर 10cm, यानी कि हमारा आ गया 10cm a, यानी कि इसका साइड। तो अब हम इसका हाइट लेगा, इसका अब हम इसका एरिया निकाल देते हैं। तो अब देखिए हमारा ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ आइसोस्कलेस ट्रायंगल बराबर होता है 1/4 इंटू बी का बी और ये 4a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। अब सब सारा वैल्यू मेरे पास है तो 1/4 बी के जगह पर तो हमारा 12cm है ही और यहाँ पर हो गया 4 इंटू ए है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और b है हमारा पर 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब और इसको काट देंगे यहाँ पर तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 इंटू ये 4 और इसका अगर हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये 100 आ जाएगा और ये इसका करेंगे तो 144। अब ये करेंगे, अब इसको 4 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 144। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो ये आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 हो जाएगा तो 5, ये 3 हो गया 256। आपको ये सब छोटा छोटा कॉमन है, ये सब यूज करते करते हम लोग को रूट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट 16 का है, आपको ना हो तो 16 में 16 से गुणा करके आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब ये आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू इसको रूट को हटाएंगे तो 16, यानी कि और इसमें गुणा करेंगे तो 48cm हमारा स्क्वायर आंसर। ये हमारा एरिया ऑफ आइसोस्कलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।